केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के बयान पर राजपूत समाज में नाराजगी के मुद्दे पर बीजेपी में अब डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज हो गई हैं। हमने देखा था किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो उन बूथों पर जहां क्षत्रिय समाज के ज्यादातर हिस्सेदारी है, क्षत्रिय समाज के ज्यादातर लोग रहते हैं, उन बूथों पर 50% भी मतदान नहीं हुआ है, और जो भी हुआ है वो बीजेपी के विरोध में हुआ है। राजस्थान में भी ये चीजें देखने को मिली हैं, उन बूथों पर जो पूरा फीडबैक आ रहा है। और इसको देखते हुए आज जो बाड़मेर जिले के जो दिग्गज नेता हैं, अभी हाल ही में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी के हनुमान उनको कहा जाता था, जसवंत सिंह जसोल के लड़के हैं, नाम है मानवेंद्र सिंह। उन्होंने पुरुषोत्तम रूपाला पर बड़ा हमला बोला है, और मानवेंद्र सिंह पहले ऐसे नेता हैं, पहले बीजेपी नेता हैं जिन्होंने पुरुषोत्तम रूपाला के बयान पर नाराजगी व्यक्त की है, यहाँ तक कि उनसे माफी मांगने को कहा है। नहीं तो हमने दिया कुमारी का भी बयान देखा था, और दिया कुमारी ने जिस तरह से बयान दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम बीजेपी के नेता और पुरुषोत्तम रूपाला के बयान पर बचते दिखे, यहाँ तक कोई प्रतिक्रिया ही उन्होंने नहीं दी है। वहीं पर मानवेंद्र सिंह ने पुरुषोत्तम रूपाला से कहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। ये बात अलग है कि अभी हाल ही में अमित शाह गुजरात की किसी सभा में वे अपने भाषण दे रहे थे, और उस सभा में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पुरुषोत्तम रूपाला ने जो बयान दिया है उसके लिए उन्होंने दिल से माफी मांग ली है। मानवेंद्र सिंह ने कहा, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति चाहे किसी पद पर हो, किसी जगह पर हो, उस व्यक्ति को किसी भी समाज पर ऐसी टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। इतने सीनियर केंद्रीय मंत्री रहकर रूपाला के मुंह से ऐसी बात निकली है, मुझे बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ कि इतनी ढील कैसे हो गई। यह चैलेंज हम सबके लिए है, हम अपनी जुबान पर लगाम रखें और देश में भाईचारे का वातावरण बनाने में ऐसी बातें नहीं कहें। मानवेंद्र सिंह ने आगे कहा कि बयान से लोगों में आक्रोश है, और इस आक्रोश को शांत करना रूपाला की जिम्मेदारी है। उन्होंने जो कहा वो गलत है, वो इतने सीनियर व्यक्ति हैं, पता नहीं उनके मन में क्या बात थी, ऐसी बात करने की आवश्यकता क्या थी। वो हमारे यहाँ सम्मेलन में आए थे, उस दिन बहुत अच्छा बोले थे, अब पता नहीं क्या हुआ, उनको स्पष्ट करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान का जिक्र करते हुए मानवेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान में लोगों में नाराजगी है, स्वाभाविक है, उनका बयान माहौल खराब कर रहा है। जिस व्यक्ति का बयान माहौल खराब करे उस व्यक्ति को ही सुधार करने के लिए आगे आना चाहिए। मैंने सीएम से बात की है, वो यह बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। उनके पास स्टेट की जिम्मेदारी है और स्टेट में वातावरण को सुधारना है तो कुछ तो करेंगे। पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद जिस तरह से पूरे देश में क्षत्रिय समाज खासतौर पर सोशल मीडिया पर जगह जगह पंचायतें कर रहा था, उनका विरोध दर्ज कर रहा था, इसी क्रम में राजस्थान की जो कुछ सीटों पर जो मतदान हुआ है उस पर भी असर देखने को मिला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत असर दिखाई दिया है, यहाँ तक कि जो 8 लोकसभा सीटों पर जो मतदान हुआ है उसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। वैसे कितना नुकसान हुआ है ये तो जून में पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी का जो कोर वोट है, खासतौर पर जो क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं वो वोट डालने जा ही नहीं रहे। कुल मिला के ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थिति ये हो गई है, 50% भी मतदान उन बूथों पर नहीं हुआ है जिन बूथों पर क्षत्रिय समाज की हिस्सेदारी ज्यादा है, ज्यादातर लोग रहते हैं। वहीं जब पत्रकार ने रविंद्र सिंह भाटी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने यह भी कहा कि रविंद्र भाटी से मेरा 3 पीढ़ी से पारिवारिक संबंध है, वह भी रहेगा, मैं भी रहूंगा, जो संबंध है वो 3री पीढ़ी के संबंध है, वो संबंध तो हमेशा रहेंगे, वह कभी जा नहीं सकते। मानवेंद्र सिंह बीजेपी के दिग्गज नेता जसवंत सिंह जसोल के लड़के हैं, साल 2018 में वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, और हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाड़मेर में सभा हुई तो वे दोबारा बीजेपी में शामिल हुए। और इससे पहले हम देखते हैं किस तरह साल 2014 में जसवंत सिंह जसोल का टिकट कट गया था, और टिकट कटने के बाद जो है जसवंत सिंह जसोल निर्दलीय चुनाव लड़े, हार जाते हैं चुनाव, इसके बाद मानवेंद्र सिंह भी पार्टी में हसीये पे रहते हैं। फिर बाद में मानवेंद्र कांग्रेस में शामिल होते हैं, वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं।
इस बार भी साल 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे जैसलमेर विधानसभा से, लेकिन लेकिन कांग्रेस उनको टिकट देती है सिवाना से। सिवाना से जो अशोक गहलोत के ही काफी करीबी सुनील परिहार भी टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो भी चुनाव लड़ जाते हैं। कुल मिलाकर ये है कि भीतरघात के चलते मानवेंद्र सिंह इस बार भी चुनाव हार जाते हैं। और इसके बाद वो तमाम नेता जो है जो जिन्होंने उस समय कांग्रेस उम्मीदवारों से बगावत की थी, उन सबको 6-6 साल के लिए निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन बाद में कुछ महीनों बाद ही उनको दोबारा पार्टी में बुला लिया जाता है। ये देखकर मानवेंद्र सिंह काफी खुद को अपमानित महसूस करते हैं और इसके बाद अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। मानवेंद्र सिंह पहले ऐसे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने पुरुषोत्तम रूपाला के बारे में इस तरह टिप्पणी की है। इस वीडियो में यही इतना ही। आप देखते रहिए शैलेंद्र सिंह लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।